सहना वो सहन भुन तक सह वी कर्वावै तेजस्वी तमस्तु मविद विषावै शांति 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 सो ओम ऑल आज जो हम कहानी सुनेंगे पंचतंत्र की कहानी और उसके बाद सुनेंगे पुराणों की कहानी द सेशन इज गोइंग टू बी टी फाइव टू थर्टी मिनट है? तो पंचतंत्र की कहानी में सबसे पहले एज वी के पंचतंत्र में है जो एनिमल्स uh, और बर्ड्स होते हैं ना वो भी बोलते हैं है ना तो आज की हमारी कहानी में एक कौआ है क्रो और एक पीकॉक है मोर है ना तो जो क्रो होता है ना वो सारे अपने दोस्तों के साथ उठता है बैठता है बट ही फील्स कि मैं बहुत काला हूं मुझे भगवान ने इतना काला क्यों बनाया इवन आई वॉन्ट टू लुक गुड आई डोंट थिंक आई लुक गुड तो कौवा हमेशा अपने आप को ऐसे ही बोलता रहता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ दिखने में मैं बहुत काला हूँ गॉड हैज़ मेड मी ब्लैक लुक एट एवरीबडी अराउंड मी सब इतने सुंदर हैं कोई गोरा है सफ़ेद है कोई इतने मल्टी कलर्स का है और मुझे देखो भगवान ने कितना काला बना दिया तो वो जाता है अपने पापा मम्मी के पास पूछने पापा क्रो मम्मा क्रो मैं क्यों इतना काला हूँ मुझे क्यों भगवान ने इतना काला बनाया आप सब इतने काले क्यों हो दूसरे लोग देखो कितने गोरे और सुंदर हैं तो उसके पापा क्रो और मम्मा क्रो समझाते हैं कि बेटा जैसे जो हमको भगवान ने बनाया होता है ना हमें उसमें खुश रहना चाहिए बट ही इज नॉट हैप्पी उसको लगता है नहीं मुझे तो कुछ करना पड़ेगा मैं खुश नहीं हूँ तो वो क्या करता है जब ऊपर ब्रांच में से देखता है तो नीचे बहुत सारे पीकॉक्स खेल रहे होते हैं है ना तो सडनली उसके माइंड में थॉट आता है ये कि पीकॉक कितने सुंदर है ये अपने फेदर्स फैला के इतने कलरफुल इतने प्रिटी अगर इनके फेदर्स मुझे मिल जाएं तो मैं अपने फेदर्स में लगा लगाना शुरू कर दूंगा तो धीरे धीरे चुपके चुपके वो उन पीकॉक्स को फॉलो करता है और जहां पे भी जो भी उनके गिरे होते हैं ना वो इकट्ठा करता जाता है करता जाता है पर उन्हें समझ में नहीं आता तो जब उसके बहुत सारे पीकॉक के फेदर्स मोर के फेदर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक ग्लू लेके जो छोटा बेबी क्रो होता है ना ग्लू लेता है और वो फेदर्स को पीकॉक के फेदर्स को अपने फेदर्स के साथ चिपका लेता है अब क्रो तो इतना छोटा और पीकॉक के फेदर्स इतने बड़े सारे पर वो चिपका लेता है और जैसे ही वो चिपका लेता है वो अपने आप को मोर समझने लग जाता है और वो अपने पापा क्रो को और मम्मा क्रो को और सारे फ्रेंड्स को क्रो को बोलता है आप लोग तो सब इतने अगली हो आप लोग सब तो इतने डार्क हो काले काले हो मैं तो बहुत सुंदर बन गया हूँ देखो मैं तो क्रो बन गया, तो गया हूँ पापा क्रो और मम्मा क्रो ऐसे सर पकड़ लेते हैं कि कोई फेदर लगाने से क्या पीकॉक बन सकता है पर वो मानता नहीं तो वो पीकॉक के फेदर लगा के और अपना घर छोड़ के पीकॉक्स के पास चला जाता है अब पीकॉक्स के पास जब चला जाता है पीकॉक्स भी देखते हैं न जाने ये कौन सा बर्ड है वैसे तो काला है पर सारे पीकॉक के लगे हैं पर कोई बात नहीं जब रात होती है वो उनके साथ सो जाता है है जब सुबह सुबह होती है, तो वहां पे रेन होने लग जाती है और जैसे ही रेन होती है ना आपको पता है पीकॉक क्या करते हैं पीकॉक सारे अपने फेदर खोल के डांस करना शुरू कर देते हैं तो सारे तो पीकॉक्स डांस कर रहे होते हैं और वो गाना गाना शुरू कर देते हैं अब ये जो क्रो है ये जो पीकॉक के फेदर लगा के आया है ये भी सोचता है मैं भी पीकॉक हूँ तो वो भी अपने क्रो फेदर्स को खोलने की कोशिश करता है पर उसके तो खुलते नहीं पीकॉक पीकॉक की तरह और जैसे ही वो गाना शुरू करता है तो पीकॉक की वॉइस एकदम डिफरेंट है और क्रो की वॉइस एकदम डिफरेंट तो सारे पीकॉक समझ जाते हैं कि ये तो कोई और है और वो पीकॉक्स सारे मिलके उस क्रो को मारते हैं कि हुआ यू? तुम हमारे बीच में क्यों आ गए हो तुम तो पिकॉक नहीं हो तो क्रो बोलता है मैं तो हूं. तो वो बोलते हैं नहीं नहीं हो और जब रेन आ रही होती है तो वो ग्लू खुल जाती है और सारे पिकॉक के फेदर्स गिर जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि वो क्रो है क्रो भी समझ जाता है कि जो मैंने कोशिश करी थी वो पिकॉक के फेदर्स तो रहे नहीं तो अब क्या हुआ

उस बेबी क्रो ने बताया उनको कि मैंने ऐसे ऐसे करा था पर सारे फैदर्स निकल गए सारे पिकॉक्स ने मुझे डांटा मुझे मारा मेरे सारे फेदर्स को वो कर दिया और अब मैं वापस आ गया हूँ तो फ्रेंड्स ने कहा वी डोंट वॉन्ट अ फ्रेंड लाइक यू जो सारे उसके फ्रेंड्स थे क्रो के उन्होंने कहा हमें ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो ऐसे ऐसे काम करता है तुम हमें गंदा बोलते थे ना चले जाओ पर पापा क्रो और मम्मा क्रो ने अपने बेबी को समझाया कि बेटा जो आपने काम किया था वो गलत था किसी के फेदर्स बोरो करके अगर आप अपने ऊपर लगाओगे तो आप वो नहीं बन सकते तो आपको क्या करना चाहिए यू शुड बी प्राउड ऑफ हु यू आर और अगर आपको भगवान ने कोई पर्टिकुलर बॉडी दी है कोई पर्टिकुलर लुक्स दिए हैं परंतु में और टैलेंट है आप उसको यूज करो आपको पता है भी अनहैप्पी होते हैं आप तो जैसे बनना चाहते हो और पीकॉकते कहते हैं कि भगवान हमें क्रो की तरह बना दे पीकॉक नॉट फ्लाई हाई पर क्रोस कैन फ्लाई सो हाई डू यू नो दैट सो यू एंड पीकॉक्स थिंक कि हमारी बॉडी तो इतनी बड़ी है हमारे पैर इतने छोटे छोटे से हैं हम उड़ भी नहीं सकते तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि पापा और मम्मा क्रो ने बेबी क्रो को संभाल लिया पर बेबी क्रो ने जो अपने फ्रेंड्स को गुस्सा करके और चला गया और फ्रेंड्स को गंदा गंदा बोला पापा क्रो को और मम्मा क्रो को बोला आई डोंट लाइक यू आई डोंट लाइक यू एंड कहीं और चला गया उन लोगों ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं करा उसे वापस आना पड़ा तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है जैसे भी हमें भगवान ने बनाया है वो बेस्ट है जो भी रूप में भगवान ने हमें बनाया जो भी हमें चीज दी है वो बेस्ट है वी शुड नॉट ट्राई एंड कॉपी अदर्स हमें अपने अंदर का टैलेंट ढूंढना चाहिए हमें उसे यूज करना चाहिए हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए हमें लोगों को अपना बना के चलना चाहिए हमें किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए है ना तो ये थी हमारी पंचतंत्र की कहानी द क्रो एंड द पीकॉक तो okay? पुराण so so, हमारे क्या होते हैं हमारे वे, वेद और, और हमारे रामायण और महाभारत जो इतिहास होती है ना तो पुराणस है वो लॉट ऑफ स्टोरीज इन देम, ब्यूटीफुल स्टोरीज वेरी नाइस स्टोरीज तो आज की जो स्टोरी है ना वो महाभारत की है आप लोग सब बच्चे स्कूल जाते हो ना है ना यू ऑल गो टू स्कूल You would go to school, पर सारा तो हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ हमको लगता है हमारे टीचर के ज्यादा फेवरेट हैं और कुछ लोग टीचर के फेवरेट नहीं हैं परंतु ऐसा कभी नहीं होता जो टीचर होती है ना वो सब बच्चों को बराबर से प्यार करती है पर क्या होता है कुछ बच्चे स्पेशल मेहनत करते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं तो टीचर्स उनको उस तरीके से ट्रीट करती हैं तो कहानी आज की क्या है आज की कहानी है अर्जुन एंड गुरु द्रोणाचार्य तो अर्जुन जो था वो पांच पांडवों में से एक था तो पांडव पांच थे और कौरव हंड्रेड थे पांडव फाइव ब्रदर्स थे और कौरव हंड्रेड ब्रदर्स थे तो ये सारे ब्रदर्स मिलके एक गुरुकुल में पढ़ते थे उस गुरुकुल के गुरु जी थे गुरु द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य जब सब बच्चों को पढ़ाते थे तो वहां पे सब बच्चों को लगता था कि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को ज्यादा लाइक करते हैं हमें नहीं करते उन्हें क्यों लगा ऐसे क्योंकि अगर अर्जुन कोई गलती भी करता था ना तो गुरु द्रोणाचार्य उसको डांटते नहीं थे तो एक दिन क्या हुआ सारे बच्चे और गुरु द्रोणाचार्य एक रिवर के पास जा रहे थे गुरुकुल में वो अपने गुरु के पास रहते थे वही नहाना धोना गुरु के साथ रहना पढ़ाई करना सब कुछ गुरुकुल में करते थे तो गुरुजी जब उनको रिवर पे ले जाने लगे तो वहां गुरुजी ने कहा आप में से कौन ऑयल लाया है क्योंकि पहले ऑयल लगाएंगे बॉडी पे फिर हम रिवर में स्नान करेंगे तो ओहो तो दुर्योधन और दुशासन ने और युधिष्टी ने कहा गुरुजी हम तो ऑयल नाम भूल गए तो ऊपर उन्होंने कहा कि अगर हम गुरुजी को ये बात बोलेंगे तो गुरुजी हमें गुस्सा करेंगे तो उन्होंने बच्चों ने सब ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन प्लीज टेल गुरु जी नाटन टू तो गेट द तो ऑयल अगर तुम गुरु जी को बोलोगे ना गुरु जी डांटेंगे नहीं अगर हम बोलेंगे तो गुरु जी बहुत डांटेंगे तो अर्जुन ने कहा ओके मैं बोल देता हूँ तो अर्जुन ने गुरु जी को बोला गुरु जी एक गलती हो गई इट वॉज माई मिस्टेक हम ऑयल लाना भूल गए तो अब मैं क्या करूं तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं तुम वापस जाओ गुरुकुल में और ऑयल लेके आ जाओ तब तक हम यहाँ पे बैठते हैं उतने में गुरुजी ने सुना कि सारे बच्चे आपस में बोल रहे थे ये सारे पांडव और कौरव कि अगर हम बोलते ना गुरुजी को तो गुरु जी अस हमें डांटते अब तो अर्जुन ने बोला है इसलिए गुरुजी ने डांटा नहीं तो गुरुजी को समझ में आया कि इन बच्चों के माइंड में कुछ ब, गलत बात चल रही है तो गुरु ने कहा बच्चों इधर आओ जब तक अर्जुन आता है मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाहता हूं तो ऑन द मिट्टी गुरुजी ने एक मंत्र लिखा गुरुजी ने एक मंत्र लिखा और सब बच्चों को बताया कि जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं और अगर मैं वो से बो को लेके एक एरो मारूंगा तो इस मंत्र की शक्ति से वो एरो इस पेड़ के सारे लीव्स को मिस छेद कर देगी, होल कर देगी, देगी, होल तो सब बच्चों ने कहा अच्छा, ऐसे भी होता है तो गुरुजी ने वो मंत्र पढ़ा और वो मंत्र पढ़ के बो और एरो लिया और जैसे ही एरो छोड़ा वो वो हर ट्री की हर लीफ में होल करते हैं वो एरो वापस गुरुजी के बो एंड एरो बो में उसमें आ गया क्विवर में तो सारे बच्चों ने कहा ठीक है और सारे बच्चे वहां से चले गए जब बच्चे चले गए रिवर के पास गुरु जी के साथ तो अर्जुन वापस आया वहां पे गुरुकुल से ऑयल लेके तो अर्जुन ने देखा कि यहां पे जमीन में तो मंत्र लिखा हुआ है अर्जुन ने ऊपर देखा तो ट्री के सारे लीव्स में एक 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 होल हुआ था अर्जुन समझ गया अर्जुन समझ गया कि हमारे गुरुजी ने कोई नई चीज सिखाई है जो मैं सीख नहीं पाया क्योंकि मैं गुरुकुल चला गया था पर अर्जुन ने क्या करा अर्जुन वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय तो अर्जुन ने बैठा उस मंत्र को पढ़ा उसको याद करा और उसका जोर से चैंटिंग करी उसके बाद उसने अपनी ब, अपनी बो निकाली और अब एक एरो मारी और मंत्र के पावर से अर्जुन की एक एरो हर लीफ में होल करते हुए चली गई अब क्या हुआ हर लीफ में टू टू होल्स हो गए तो जब और फिर वो चला गया गुरुजी के पास गुरुजी को उसने बोला गुरुजी ये है ऑयल तो गुरुजी ने ऑयल ले लिया सब बच्चों ने ऑयल बात करा, फिर सब बच्चों ने स्नान करा जब सब बच्चे वापस आए तो गुरुजी ने क्या देखा गुरुजी ने देखा कि वो जो ट्री थी उसमें हर लीफ पे अब टू टू होल्स हैं तो गुरु तो बहुत इंटेलिजेंट थे गुरु तो समझ गए कि ये अर्जुन ने ही करा है अर्जुन ने बिना मेरे सिखाए इतनी मेहनत करी उसने मंत्र याद करा और उसने वो काम करा उसने बो और एरो निकाल के और हर लीफ में एक 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 होल बना दिया He took pains टू to लर्न तो फिर गुरुजी ने सब बच्चों को इकट्ठा कहा और बताया कि बेटा आप लोग कहते थे कि अर्जुन मेरा फेवरेट है पर ऐसा नहीं है अर्जुन इसीलिए फेवरेट है क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है अब आप देखो अर्जुन ने मंत्र याद करा बिना मेरे बोले अर्जुन ने बिना मेरे बताए अपनी बोर एरो से किया उस समय आप इतने सारे लोग थे जब मैं सिखा रहा था आप में से किसी ने भी ये नहीं करा नहीं करा ना इसीलिए क्योंकि अर्जुन बहुत हार्ड वर्किंग है अर्जुन बहुत मेहनती है अर्जुन बहुत समझदार है अर्जुन बहुत काम करता है इसीलिए आप सबको लगता है वो मेरा फेवरेट है पर मैं अब भी कहूंगा आप सब मेरे फेवरेट हो पर मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी हार्ड वर्किंग बनो अर्जुन की तरह मेहनत करो है ना तो आज की हमारी ये सेकेंड स्टोरी थी पुराणों में से हा फ्रॉम द महाभारत हम अर्जुन की और इसकी बहुत सारी कहानियां सुनेंगे तो ये जो पूर्ण विद्या वेदिक हेरिटेज बुक्स है ना मैं हे हमेशा दिखाती हूँ ना ये ये कलरिंग बुक्स है, है ना बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है इससे हम सुनते हैं कौन सी कौन सी न्यू स्टोरी तो जब मैंने आपको क्रो एंड पीकॉक की स्टोरी बताई थी ना तो ये क्रो एंड पीकॉक की स्टोरी ये देखिए पीकॉक इतना बड़े सारे पीकॉक कितने सुंदर सुंदर फेदर्स हैं ट्री के नीचे ये पीकॉक ये पीकॉक और ये छोटा सा क्रो ये हमेशा सोचता था मैं तो कल, मैं तो अगली हूं तो ब्लैक हूं तो कलरफुल नहीं हूं है ना ऐसे बोलता था तो ये क्रो और पीकॉक है इसके बाद ये पीकॉक यहाँ पे पेड़ पे बैठा हुआ है ये और ये क्रो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढ रहा है पी, पीकॉक के फेदर कहाँ गिरे कहाँ गिरे मैं उठा लूंगा उनको इकट्ठा करके और मैं क्रो बन जाऊंगा सारे इकट्ठा हो गए और क्रो को मार रहे हैं ये पीकॉक ये पीकॉक और ये सब गुस्सा कर रहे हैं क्रो को कि तुम जितने मर्जी फैदर लगा लो तुम पीकॉक नहीं बन सकते तो जो पहली हमारी स्टोरी थी वो इस बुक से ली हुई है पुराणों की पंचतंत्र की कहानी से सो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑल योर और 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 योर 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 इज वो आपके लिए बुक मंगाएंगे आप इनको कलरिंग कर लेना ये स्टोरी को आप उनसे दोबारा सुनना और YouTube पे मैं भी मैं डालती हूँ तो टेल यू ममा दादी नानी नानू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो और ये कलरिंग बुक है ना इसमें से आपको कलरिंग करनी है तो ये कहा, ये कहानी क्रो एंड पी की जो हमें सिखाती है वो यही सिखाती है टू बी कंटेंटेड कि हमें जो भगवान ने दिया है वो बहुत अच्छा और हमें अपने टैलेंट को यूज करना चाहिए सोसाइटी और सेकेंड जो कहानी ली हुई है वो भी ये पूर्ण विद्या वेदिक हेरिटेज टीचिंग प्रोग्राम में से है ये कहानी पुरानों में से है महाभारत की है और ये जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ना ये देखिए ये गुरु ये सारे गुरु द्रोणाचार्य के सा, ये गुरु द्रोणाचार्य हैं और ये सारे उनके डिसाइपल्स इकट्ठा होके कह रहे हैं कि हम तो ऑयल लाना भूल गए अब हमें गुरुजी गुस्सा करेंगे तो सब अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन प्लीज तुम गुरुजी को जाके बोलो कि ऑयल लेके आ के हम ऑयल भूल गए तो फिर गुरुजी ने फिर यहाँ पे देखिए ये गुरुजी ने एक मंत्र लिखा और एक मंत्र से बो है ये उनकी ये बो है बो और एरो से मंत्र का उच्चारण किया चैंटिंग करी और हर लीफ में कैन यू सी एक 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 होल हो गया कैन यू ऑल सी एवरी लीफ में यस यू कैन ओके तो एवरी लीफ में ये सारे बच्चे खड़े हैं ये खड़े हैं बच्चे ये खड़े हैं गुरु द्रोणाचार्य उनको सिखा रहे हैं और हर लीफ में एक एक होल हो गया उतने में वो क्या देखते हैं कि वापस अर्जुन आ गया अर्जुन ने अपने अपनी मेहनत से खुद की मेहनत से चैंटिंग सीखी और और सब लीफ में अब देखो टू टू होल्स हो गए कैन यू सी हर लीफ में टू टू होल्स हो गए हैं कैन यू ऑल सी यस यू कैन है ना टू टू होल्स हो गए तब गुरु द्रोणाचार्य ने बताया कि हार्ड वर्किंग होता है जो है, जो है मेहनत करता माँ बाप से गुरु से अपने फ्रेंड्स से अच्छे से बात करता है किसी से लड़ाई नहीं करता और सबसे मीठा बोलता है मुस्कुरा के बोलता है सबको विश करता है ग्रीट करता है और जो गुड ह्यूमन बीइंग बनता है ना वो सब का प्यारा बन जाता है तो अगर आपको सबसे प्यार चाहिए तो अगर आपको तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको सबसे अच्छा बोलना पड़ेगा रिस्पेक्टफुली बोलना पड़ेगा पोलाइट होना पड़ेगा है ना और काइंड होना पड़ेगा जेनरस होना पड़ेगा और हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा अगर हम वर्क करते हैं तो हमें सब लोग लाइक करते हैं अच्छा नेचर मुस्कुराता हुआ चेहरा वेन यू विश ऑल योर एल्डर्स यू आर प्लेजेंट एंड यू डोंदर सिस्टर्स है ना एंड यू शेयर थिंग्स विद एवरीबडी देन एवरीबडी लाइक्स यू है ना तो आज का सेशन ओपन कर रही हूँ फॉर एवरीबरी वन तो मुझे आज की कहानी में कौन बताएगा कि हमने क्या सीखा ध्रुव बताना चाहता What? है एक बार जो क्रो था हम्म ब्लैक था तो फिर वो गंदा बोल रहा था इतना मैं ब्लैक यू हूँ तो फिर पीकॉक्स जा रहे थे फेदर्स गिरते जाते उसको लॉक कर रहा था सब कुछ फेदर्स ले ला था तो फिर वो पीकॉक बन नहीं सकता तो फिर उन पीकॉक ने मारा अगर बारिश आई तो फिर पीकॉक ने देख लिया कि ये पीकॉक नहीं है कबूतर है क्रो है क्रो है कौआ है कौआ है हाँ तो फिर पीकॉक्स ने मारा हाँ। फिर कबू कौआ कौआ चला गया अपने मम्मी पापा पास हाँ। फिर मैं तो ब्लैक ही हूँ मुझे पीकॉक बनना है तो फिर उसके फ्रेंड्स ने बोला मैं ऐसे हम कबूतर नहीं लेते तो फिर खत्म करनी है वेरी गुड आपने बहुत अच्छी कहानी बताई थोड़ा सा छूट गया कोई बात नहीं बेटा वो मम्मा आपको दोबारा बता देगी है ना क्रो वापस आता है अपने पापा मम्मी के पास पापा समझाते हैं उसको मम्मा भी समझाती है फिर वो अपने सब फ्रेंड्स से सॉरी बोलता है कि मुझे आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मैं तो क्रो ही हूँ और मैं क्रो बनके खुश हूँ मैं पिकॉक नहीं बनना चाहता मैं क्रो ही बनता रहूंगा ठीक है ना मेरा मुंह दुख गया था इसलिए मैंने करा था <laughs> कोई बात नहीं अच्छा ए, कोई और मुझे पुरान अर्जुन की स्टोरी सुनाना चाहता है कौन सुनाएगा मुझे अर्जुन की स्टोरी ओके कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ ओके वन मिनट वन मिनट आई एम आई एम अनम्यूटिंग यू वन मिनट हाँ हाँ अनम्यूट अनम्यूट करो बेटा मैथिली अपने आप को अनम्यूट करो आई यू अनेबल टू अनम्यूट वेट वेट वेट, हाँ अब करो बेटा एक बार टैप करना वन, टैप वंस यू आर अनेबल टू टैप अच्छा वेट देन वेट 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 आई विल लेट मी ओपन इट फॉर ऑल अब करके देखना बेटा अनम्यूट करो मैथिली प्रीति तो कर पा रही है क्या इसको हम अनम्यूट नहीं कर पा रही मैं कर पा रही हूँ मैथली को पर अनम्यूट कर दे बेटा मैथली को कैसे? सुनो एक मिनट देखना कैसे कर एक्चुअली मैंने वो कर दिया था ना इसलिए शेयर नहीं आ रहा है अभी मैथली यू वांट टू एग्जिट एंड एंटर अगेन बेटा ये ओके नाउ आई कैन नाउ वी कैन हियर यू आई कैन हियर यू कॉल टॉक मैथली इसको करना पड़ेगा मैं कर ही नहीं पा रही हूँ इसको अनुभव वो पूरी कर पाएगी दीदी मैथिली कोई करना पड़ेगा वंस बेटा टैप वंस ओनली वंस नहीं ध्रुव की पर ध्रुव अब आप नहीं बोलो बेटा मैथली बोलेगी अभी मैथली एक बार आप एग्जिट करके वापस एंटर करो बेटा ओके एंटर एग्जिट एंड एंटर अगेन ये बोलना चाह रही है स्टोरी

और लेट मी को होस्टिंग उससे हो जाएगा शेयर हो जाएगा क्या हां हां मैथिली नाउ डू इट नाउ सी बेटा नाउ अनम्यूट अनम्यूट नाउ शी हैज डू इट हरसेल्फ मैं नहीं कर पा रही हूं ना हां हम नहीं कर पाएंगे जी क्योंकि उन्होंने खुद किया हुआ है ना बट नाउ यू आर अ को होस्ट बेटा यू विल बी एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ बेटर मैथिली या कर नहीं पा रही कर पा रही बड़ा नहीं है कोई पास में हेलो मैम कैन यू हियर मी यस 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 नाउ आई कैन बेटा हां टेल बोलो बोलो क्या बोलना चाहते हो मैं एक्चुअली आई फॉरगॉट इन द मीन टाइम व्हेन वी वर ट्राइंग टू अनम्यूट द माइक इन दैट टाइम आई फॉरगॉट कोई बात नहीं आई विल हेल्प यू आई विल हेल्प यू Why was Arjun favorite of Drona? Because he, that, uh, Arjun was a hard working person. Yes. yes. And he used to do whatever was good and he used to work hard yes. and he used to do stuff which is also good. And then mm, the other children said that we forgot to bring the Oil, so they are afraid to tell the guruji that they forgot to bring the oil. Nah. Then uh, Arjun went and told to guruji, guruji that we forgot to bring oil. Hmm. Then the guruji said it's okay. Um, then you go right now and go and bring oil. Then he called the other kids. Then he told he taught them something, a mantra. Something. Yes. And then he took his bow and arrow and he threw it on each and every tree. Each and every tree. Please, please. Huh. In each and every tree there was one one hole. Then Arjun also saw what was written down on the sand. Then he read that and did what was told from that. And then he took his bow and arrow then he put it on the on every tree then he made another oh, uh, dot okay. on every tree now, <laughs> <laughs> two dots in the tree yes in every tree yes so when the Guruji came back from the river with all the children and he saw every yeah. leaf has now two, two holes. He understood. So he gathered all the children with him and he said, Listen, children, this is why you think Arjun is my favorite. Though everybody is favorite, but Arjun works hard. Why? Right? Because even without telling him he was not there when I chanted the mantra, he still took pains. उसने मंत्रा सीखा मंत्रा को चैंट करा अपनी बो और एरो निकाला और एरो से हर लीफ में ही टू चैंटिंग की पावर की वजह से एक होल करना और आप में से किसी बच्चे ने ये नहीं सोचा नहीं सोचा ना तो अर्जुन ने ये सोचा तो नॉट ओनली इज अर्जुन इंटेलिजेंट इज वेरी हार्ड वर्किंग है ना प्लस ही टॉक्स वेरी वेल ही रिस्पेक्टफुल बड़ो से अच्छे से बात करता है गुरुज का काम करता है किसी से लड़ाई नहीं करता अपने सिस्टर से भी लड़ाई नहीं करता है ना तो इफ यू आर अ गुड चाइल्ड यू लिसन टू एवरीबडी हंस के मुस्कुरा के बात करते हो सबको विश करते हो ग्रीट करते हो और मेहनत करते हो आप सबके फेवरेट हो जाओगे है ना हाँ। ओके सो नाउ वी हैव फिनिश्ड टूडेज Both the stories, okay? Okay, ma'am. So, all right. And now we will. I'm going to chant the mantra, and okay. you can all listen, and we will end the session here. Okay? Okay, ma'am. Oh, just listen. Oh, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma. Tasmai Shri gurave namaha Om Shanti Shanti Shanti. So, harem. thank you. Say thank, thank you, you. ma'am. Welcome. Harium, everyone. So, we will. Thank learn. you, ma'am. Welcome, beta. So, what is your name? What are your, what's your and your brother's name? Hello, Sapna. Yeah, I understand. She's, they are your grandchildren, huh? Yeah, yeah. She is Kavya yes, she is, and he's is Vedan. He my brother and I'm his sister. so You are Kavya and Vedan. So, Kavya, yes, it's a great pleasure meeting you. okay yes, am. And I'm uh, a good friend with your daddy, mom So, I'm like daddy to you also. Very <laughs> <laughs> <Okay, Okay>. nice. <laughs> Okay. Hi, Auntie. How are you? Good. Uh, How are you, Vedans mother. Auntie, this is this is my boy. <laughs> Vedans. <laughs> okay. And my and the Kavya is your daughter. This she is my niece, Auntie. Okay, okay. okay. She is okay. my, niece. my niece. She is the daddy and the nanny are both children. Huh? Yes. 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 <laughs> <laughs> yeah. Oh, wonderful, wonderful. So the children will get to learn. Huh? Something important. Yes, what is important. What is important? He wants to show you the book which he has got it now. Sure, 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 sure. sure. Oh, Sudha The Gopi Diary is very nice. I've read this book, mm. I know it's really nice. So, next time Vedant can tell me a story from this, okay? Actually, um, I can read, he can't read.

Really nice. <laughs> Thank you so much. Apna. Have a good day. Welcome. And, hey. uh, uh Devia, do spread the word in your soul. I will, Auntie. I will. I've told there's one more coming. Hopefully, next week. Auntie, will you do this weekly? Uh, yeah, I am, I'm doing it weekly. Every Saturday is at one o'clock. Okay, okay wonderful. So, okay. I will make her join from Bangalore.